अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबरार हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। आज मैं गंदम के खेत में आया हुआ हूँ किश्वत भाई के पास, जिनके फील्ड में जड़ी बूटियों का मसला है। आज हम देखेंगे कि जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं इनके फील्ड में और उनका तदारुक किस तरह किया जा सकता है। उसके लिए मैं किश्वत भाई से थोड़ी सी बात करूँगा ताकि आपको भी पता चल जाए कि किश्वत भाई किसान हैं और अपना गंदम की पैदावार ज्यादा हासिल करने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर। किश्वत भाई, आपके प्लाट में जो है ना जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी होती हैं, कुछ आप बताएंगे? बाजार ज्यादातर हो बनबेड़ी, पालक, माथू, सिंजी, दुम्बी सिटी, जोधरी। ठीक, ये ज्यादातर रकबे कुछ हमें जड़ी बूटी दिखाएंगे आप? हाँ सर, बहुत जरूर दिखाऊंगा। ये किश्वत भाई बता रहे हैं कि ये जो है ना डिडण है, जिसको आप उर्दू जबान में कहते हैं दुम्बी सिटी, और ये कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए गए हैं। किश्वत भाई ने एक ये पालक का बूटा भी दिखाया है और ये बता रहे हैं कि एक सिंजी। हाँ, ये दोनों चीजें मैं निकाल लेता हूँ। इनके तदारुक के लिए हमारे पास तहफ्फुज़ कंपनी के मैं नुमाइंदा हूँ, उसकी दवाई जो है ना मैं इनको बताऊंगा आज। हमारे पास ना एक ही दवाई होती है जो इन जड़ी बूटियों के तदारक के लिए दोनों के लिए काम कर जाती है, नोकीला पत्ता और चौड़ा पत्ता। चौड़ा पत्ता में मैं आपको बता दूं कि बाथू होता है, पालक होती है, सिंजी होती है और कौन सी होती है, गाजर बूटी होती है, मटरी लेली जिसको आप वंडवेड़ी आम जबान में कहते हैं। तो उसके बाद जो नोकीले पत्ते में है वो जौदर, जौ और दुम्बी सिट्टी होती है। उनके तदारुक के लिए हमारे पास जो दवाइयां हैं वो मैं किश्वत भाई से कहूंगा कि हमारे पास दोबारा मिलेंगे हमें, तो मैं इनको जो है ना वो दवाइयां दूंगा, जिसके इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह इस्तेमाल होती हैं और इनका क्या क्या फ़ायदा है और इनसे तदारुक किस तरह एक्सीलेंट हो सकता है।